ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 25 फरवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज डेट है 30 मार्च 1998। मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर, अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। जितनी भी हमें प्राप्तियाँ हुई हैं बाप दादा ने की हुई है तो कराई हुई है, वो सारी इमर्ज रखनी है और अचल स्थिति का अनुभव करना है, जीवन मुक्त बनना है। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती ही हैं भजन कीर्तन करके, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन भगवान का पता है न रचना का पता है लोगों को, ऐसे ही कह देते हैं। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो, हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। हमको मालूम है हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको ये नशा है ना, तो बच्चों ने क्या की, ताली बजाई। हाँ, एक हाथ की ताली बजाना। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों की सिखानी पड़ेगी, बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते हैं, वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं, वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान और विशेष। बाबा के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्म पालना सारे कल्पों में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को ही प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है। तो बाबा कहते ये परमात्म प्यार देह भान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ, देखो अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। कौन सा प्यार? स्वार्थ का प्यार, उसको भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो, कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए यहाँ आवे? ऐसा टीचर देखा कभी? और बाबा पूछ रहे हैं। लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने के लिए आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं, दो शब्दों की पढ़ाई है। आप और बाप इन्हीं दो शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्पवृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई है। और पढ़ाई में कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, बाहर की दुनिया की पढ़ाई भी जितनी है और बहुत क्या होता है, टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है बच्चों को पढ़ने में, लेकिन इस बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का हो जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्के की निशानी क्या है? ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है, तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। जितना बाबा की पढ़ाई बढ़ते जाते हैं उतना आकाश में उड़ते रहते हैं। तो
दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई नहीं पढ़ी। कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला आपको? नहीं मिला ना, ऐसा भगवान ही मिला है। तो बाबा कहते भाग्य है ना तुम्हारा। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है, देखो स्वयं भगवान बाप बन के हमारी पालना कर रहे हैं, ये भी हमारा भाग्य है। स्वयं भगवान हमें टीचिंग करते पढ़ाते हैं, ये हमारा भाग्य है। और तीसरा, सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूँ कैसे चलूँ, ऐसे करूँ या ऐसा न करूँ, क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूँ कैसे करूँ नहीं, ऐसे करूँ या वैसे करूँ, इन सब क्वेश्चन का जवाब एक शब्द में जवाब है, कौन सा? फॉलो फादर। बस ब्रह्मा बाबा को कर्म करते समय याद करना है, और जब हम योग के लिए बैठते हैं और शरीरी बनना है तो शिव बाबा को याद करना है। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकार स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाबा को फॉलो करो, दोनों बाप और दादा को फॉलो करना, अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। क्या ये मुश्किल है? नहीं ना, पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? बस कॉपी करना है, उस स्कूल में कॉपी करना मना है, और यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे आप कुछ खुली छुट्टी है, आप ब्रह्मा बाबा को बढ़िया हमारी दादियों को मम्मा को फॉलो कर सकते हो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना है, अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त हो और श्रीमत पर चलना। क्या ये मुश्किल है? बाबा फिर पूछ रहे हैं क्या ये मुश्किल है फॉलो करना, किसी को पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है ना, अपना दिमाग नहीं चलाना है। देखो संगम युग में हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है, बाप का दिमाग चलता है, बाप के दिमाग से हम चल रहे हैं, हमारा फायदा है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना, मुश्किल है या सहज? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ, कौन कौन बैठे 30 साल ज्ञान में चल रहे? अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज लगा? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप पीछे पीछे जो आए हैं उनके लिए मुश्किल है या सहज? सहज है ना। गर्मी के कारण सभी के हाथ में रंग बिरंगे पंखे हैं, छोटे हाथ के पंखे होते ना, तो बाबा कहते हैं हिला रहे हैं, अच्छा है, पंखों की रिमझिम अच्छी है। अच्छा, सीन भी अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना, तो इस ग्रुप की नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। फैन चलाने की भी क्या है नवीनता हो गई। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुँच गए, बाप दादा भी स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं? 1 या 10? हद के गुरु कितने वरदान, 1 या 2 देंगे 4 देंगे? ज़्यादा तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज नए 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 वरदान मिलते रहते हैं। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना, आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। किसको रखना है सामने? भाग्य। कितना मेरा भाग्य है, मैंने कितना कमाया है, दुनिया के हिसाब से देखो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो कि मैं भाग्यवान हूँ, लेकिन उसको इमर्ज रखो। मर्ज रखने से संस्कारों को बदल कर इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदल कर बाबा कहते हैं इमर्ज करो। जो अच्छी अच्छी बातें हैं बाबा ने दादी ने हमारे लिए जो कुछ किया है आज तक, उसको हम याद करते रहे, अपना भाग्य के गुण गाते रहे। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। जब प्राप्ति की लिस्ट सामने होगी तो बाबा कहते कोई भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेगी। बाप दादा जब सुनते हैं ना, आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। क्या कारण?
अपने भाग्य की प्राप्तियां मर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है प्राप्तियों को इमर्ज रखो। कौन सा पुरुषार्थ? प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो, हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यह आगो में आपका यादगार है ना, अचलगढ़ या हलचलगढ़? हलचलगढ़ नहीं ना, अचलगढ़। यह किसका यादगार है? आपका है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ, अचलगढ़ को। बहुत सुंदर है अचलगढ़। कई बार बच्चे ज्ञान के पॉइंट्स भी बोलते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये ड्रामा है, ये तो विघ्न है, ये तो साइड सीन है, बोलते रहते हैं, लेकिन हिलते भी रहते हैं। हिलते हिलते बोलते रहते हैं। जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल नहीं हो सकते। तो मधुबन का अचल घर याद रखो, यह तो सूक्ष्म चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं, आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष के रूप में मनाना चाहते हैं। ऐसा न हो हाथ उठवावे तो कोई का हाथ उठे, कोई का नहीं, नहीं। सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावे। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, उसी समय भी ताली बजाई बच्चों ने, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे, जितने भी पुराने संस्कार है उन सबसे हमें मुक्ति मिली है, मुक्ति वर्ष। अभी तो अच्छी बजाई ताली, लेकिन तब भी बजाना, बजाएंगे ना। देखो हाथ की ताली बजा के खुश करते, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाबा के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएंगे कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा? क्या किया? मनाना है, मनाना है। सोचते तो नहीं रहते, स्वरूप में लाया हुआ सोचते सोचते लास्ट में सोचते रहेंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं, दिखाएंगे ना। अच्छा याद रहेगा ना, प्राप्तियों को सामने रखो, बाबा की याद के साथ बाप ने जो दिया है ना उसको इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला बाबा ने हमें, क्या बनाया और क्या बाबा से हमें मिला। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे, भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ, निरंतर मुक्त। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया, समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं, कब घंटा बजाए। देखो प्रकृति भी, समय भी हमारे इंतजार में है, हम कब तैयार हो जाएंगे। भक्त आत्माएं वह दिन याद सदा कर रही है, कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देगी। दुखी आत्माएं पुकार रही है, कब सुखकर्ता दुखहर्ता आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। इसलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिल, हे रहम दिल, विश्व कल्याणकारी आत्माएं अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हुए हैं, आपके लिए सब रुके हुए हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। आप अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाबा के साथ मददगार हो ना। क्या आपको रहम नहीं आता है?
दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते लोगों के। हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाबा कहते अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाबा दादा ने पहले भी कहा, क्या कहा था, सौ हिमालय जितने बड़े बड़े विघ्न भी आ जाए, सौ हिमालय जैसे बड़े बड़े विघ्न भी आ जाए तो हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखते हैं, ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए बगुले और हंस की लड़ाई लग गई, ऐसे नहीं कहना, ये हो गया वो हो गया ये नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देंगे, बाबा सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, पेपर वेस्ट पेपर डस्टबिन वो डाल देंगे, बाबा सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है, मुक्ति वर्ष हम मनाएंगे ही। जहाँ दृढ़ता है ना वहाँ सफलता न हो असंभव है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, कुंजी है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हो ना, टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स बहुत है, सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या, मैंने उनको बाबा पूछ रहे हैं। देखो एक खुशखबरी सुनाते हैं, बाप दादा ने देखा अभी देखा है सुना है, सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है, लक्षण तो देखेंगे लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा, अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, अभी कागज में है लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है ना, पहले लिखना तो चाहिए, पहला कदम आना चाहिए। तो बाप दादा को खुशी क्यों है, सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी है, निमित्त मधुबन निवासी है, सेकंड नंबर देश विदेश के निमित्त सेवाधारी टीचर्स बहने हैं, पहला है मधुबन वाले, दूसरा है टीचर्स निमित्त, और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे, मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने लिखा ही नहीं है, आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं, लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर नहीं लिखा है तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया, जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्शन बाप द्वारा ही मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं उसको रिगार्ड देना भी अति आवश्यक है, इसमें न बहाना देना है न अलबेलापन दिखाना है। जो भी मधुबन वाले हमें दादियां बाप दादा या हमारे टीचर्स बहने भी जो डायरेक्शन देती है उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, अलबेले नहीं दिखानी है, लेकिन आगे के लिए बाप दादा बता देते हैं मार्क जमा नहीं हुई इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना, हल्की बात नहीं करो, बच्चे बड़े चतुर हैं कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है, जानते तो है लेकिन कहाँ क्यों, जानते हुए कहा ना तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए, बहुत ऐसे कार्य करते छोटे छोटे जिसको हाज करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है, छोटे छोटे कामों में हाजी करने से भी क्या होता है एक्स्ट्रा मार्क जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पाठ के संस्कारवश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं लेकिन कोई ना कोई सुनहरा धागा है, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता, वो समझते भी है ये महीन धागा रहा हुआ है लेकिन ये कहेंगे, लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थ है जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाथ भी करने से मार्क ले लेते हैं, और हो सकता है वह थोड़ी थोड़ी मार्क इकट्ठी होते हुए आगे निकल सकते हैं, ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है, इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हाथ भी करने में मार्क जमा करते जाओ, कट नहीं करो जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक दे रहे हैं।
याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुड़ा याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है ही बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। क्या है मधुबन? बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल है। तो एक बात की खुशी है, अभी कागज में आया हुआ है, कर्म में भी लाना है, ठीक है ना। अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले, अभी अभी अशरीरी बन जाओ तो बन सकते हो, या हलचल योगी हो। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। अभी बाप दादा भी सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव की ड्रिल कराते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्म सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार रूहानी और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी मुक्त वर्ष में नंबर वन मधुबन निवासी, ठीक है, हो सकता है या मुश्किल? हाँ जी, बच्चे बोल रहे हैं। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैच देगा। मधुबन वालों को बैच देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्त वर्ष के प्राइज देंगे, अच्छा बैच देंगे आपको। हाँ अच्छा, वरदान। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही क्या है? अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः सहज योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।